जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था, जिसके ऊपर मैंने सिडको का और नवी मुंबई का पूरा डिटेल में रेलवे का प्लान समझाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि जल्दी हम उल्वे के ऊपर प्राइसिंग का वीडियो बनाएंगे। प्राइसिंग उल्वे की मैं सारी आपको अलग अलग, जैसे कि 1 RK, 1 BHK, 1 RK टेरेस, 2 BHK, G+4, G+7, ये तो सारी डिटेल्स दूंगा ही, लेकिन इससे पहले एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कहां पर आपके साथ प्राइजेस ज़्यादा दी जा रही है, कहाँ पर आपको प्राइजेस कम दी जा रही है। ये सिर्फ उल्वे से रिलेटेड नहीं होगा, कोई भी लोकेशन पे आप जाते हो तो अलग अलग बिल्डर्स की अलग अलग प्राइजेस आते हैं, तो ये प्राइजेस क्यों अलग अलग आती है ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है ताकि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि लोकेशन में अलग अलग प्राइजेस क्यों होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये सिर्फ उल्वे के लिए नहीं, ये एक जनरल बात है जो प्राइसिंग में फर्क आता है। आपने देखा होगा किसी एक सिंगल लोकेशन पे आप जाते हो या फिर एक सेक्टर में, कोई भी सेक्टर्स में आप जाते हो, तो वहां पर सेम टाइप की प्रॉपर्टी अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग प्राइजेस होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी अगर रेलवे स्टेशन होता है, तो रेलवे स्टेशन के आसपास में अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव होगी, रेलवे स्टेशन से दूर होगी तो प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव होगी। काफी हद तक ये मेथड ठीक है, लेकिन 100% ये मेथड ठीक नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टेशन तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लोगों की कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन इसके अलावा भी और कई ऐसे पॉइंट होते हैं जिस वजह से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी के रेट कम होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिल्डर का नाम, ये तो सारे फैक्टर्स आते हैं। उससे पहले हम लोकेशंस का फायदा और लोकेशन के नुकसान या फिर लोकेशन की वजह से प्राइजेस कम ज़्यादा कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई 30 मीटर वाइड रोड है, ठीक है, इस 30 मीटर वाइड रोड पर अलग अलग बिल्डर्स के अलग अलग कंस्ट्रक्शन है, दोनों तरफ है। इस रोड पर आपको सारी प्राइजेस सिमिलर ही मिलेंगे, मतलब अलग अलग बिल्डर्स के अगर भी कंस्ट्रक्शन है तो अलग अलग प्राइजेस होंगी वो, लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिल्डर का नाम या फिर प्रोजेक्ट में दी जाने वाली फैसिलिटीज, इसके ऊपर से ही थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आएगा। कुछ बड़ा फर्क नहीं आएगा अंटिल अनलेस प्रोजेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज नहीं है। अगर मान लीजिए सरी G+7 की, लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन, ये सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, तो ऑफकोर्स उसकी प्राइस थोड़ी अप होती है। तो अब बात करते हैं आगे क्या सीनियर होगा। तो इस 30 मीटर वाइड रोड को आगे जाके एक टर्न आता है और वो रोड कन्वर्ट होता है 11 मीटर वाइड रोड पर। यह हमने देखा था 30 मीटर वाइड रोड पर, ठीक है। अब 11 मीटर वाइड रोड पर, तो 11 मीटर वाइड रोड पर फिर से अलग अलग प्रोजेक्ट्स है इस तरफ। अब क्या इन सबकी प्राइस सेम होगी? ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम होगी, अगेन वही वाला फैक्टर है, बिल्डर कौन है। काफी टाइम बिल्डर का नाम इतना बड़ा होता है कि लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो फ्लैट्स होते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं तभी बिक जाते हैं। ऑफकोर्स अगर बिल्डर का नाम अच्छा है तो फ्यूचर में आपको रीसेल में भी प्राइस अच्छी मिलती है, तो वो हिसाब से बिल्डर का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छा होता है तो फ्लैट आपको थोड़ा यहाँ पर अलग अलग प्राइजेस मिल सकते हैं। बट कुछ बड़ा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि प्राइजेस में फर्क इसके लिए नहीं आएगा क्योंकि एरिया सेम है, लोकेशन सेम है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे 30 मीटर वर्सेस 11 मीटर, तो इसमें आपको जरूर फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि 30 मीटर की प्राइसिंग अलग होगी, 11 मीटर रोड की प्राइसिंग अलग होगी। अब आगे का सीनियर देखते हैं। ये रोड आगे जाके टर्न होता है, ये आता है 9 मीटर वाइड रोड पर। यहां पे प्राइसेस इससे भी थोड़ी कम होगी, यहां पर जो प्रोजेक्ट आएंगे ये थोड़े उससे कम होंगे। अभी होता क्या है, 30 मीटर वाइड रोड है तो प्लॉट्स यहां पर बड़े निकलते हैं, कंस्ट्रक्शन बड़ा होता है, प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, फैसिलिटीज ज्यादा आती है, तो यहां पर महंगे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। थोड़ा अगर 11 मीटर वाइड रोड पे जाते हैं तो अगेन प्लॉट छोटे हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन छोटा हो जाता है, प्रोजेक्ट छोटे हो जाते हैं, तो थोड़ा प्राइसिंग कम हो जाती है। 9 मीटर रोड पर थोड़ा उससे कम हो जाता है। तो ये 3 फैक्टर्स आ गए जो रोड के हिसाब से प्राइसिंग में अलग अलग फर्क आता है। अब इस पे और एक फैक्टर आता है दोस्तों, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं पे नोट डाउन करके रखिए, आप जब भी साइट विजिट के लिए जाओगे कोई भी लोकेशन पे तो आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, अब आगे की बात करते हैं। मान लीजिए इस 9 मीटर वाइड रोड पर यहां पर एक कंस्ट्रक्शन है, यहां पे दूसरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये लाइन से 9 मीटर वाइड रोड पर ही कंस्ट्रक्शन थे। अब यहां पर क्या किया सिडको ने, या फिर जो भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन था या फिर जो भी लोकल गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, एक गार्डन का प्लॉट डाल दिया। यहां पर
चिल्ड्रंस प्ले एरिया बनने वाला है या फिर गार्डन होने वाला है, सीनियर सिटीजन के लिए सिट आउट होने वाला है, कुछ भी ऐसा होने वाला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो दो प्रोजेक्ट है उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि गार्डन फेसिंग फ्लैट होंगे, गार्डन फेसिंग प्रॉपर्टी होगी, गार्डन पास में, तो उस हिसाब से इस दो प्रोजेक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी कंपेयर टू इस प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये जो सारे प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए थे इनके कंपेरिजन में ये दो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी के रेट थोड़े बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए ये 11 मीटर वाइड रोड था ये वाला, अब ये इस तरफ मुड़ा है और यहाँ पर बना है ये वापस से 9 मीटर वाइड रोड। अब यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा कुछ था आगे और यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन आ गया, ठीक है, तो इस वाले रोड पे जो है प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि स्टेशन के पास में, इसकी थोड़ी प्राइसिंग अलग होगी, इसकी थोड़ी प्राइसिंग अलग होगी, उसकी थोड़ी एक्सपेंसिव होगी और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इसकी होगी। तो ये वाले सारे फैक्टर्स होते हैं कि प्राइस जिसमें अप्स एंड डाउन होती है। तो मेरे हिसाब से लोकेशन वाइज प्राइस क्यों कम ज़्यादा होती है ये आपको पता चल गया। अब ये सारे लोकेशन वाइज हो गए, अब प्रोजेक्ट वाइज क्यों फ़र्क आ सकता है, तो सबसे पहला आपको मैं बताऊँगा फ़र्क आता है पेपर वर्क। प्रोजेक्ट का पेपर वर्क कितना अच्छा है, प्रोजेक्ट का पेपर वर्क कितना स्ट्रांग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की प्राइस कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। काफ़ी टाइम पेपर वर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता है, सभी बैंक्स लोन नहीं देते तो उस प्रोजेक्ट की प्राइस थोड़ी कम हो जाती है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है उसमें कहीं सर भी लोन पास हो जाता है, कोई भी बैंक से लोन पास हो जाता है, पेपर वर्क एकदम स्ट्रांग होता है, सारे क्लियर होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि लोन नहीं मिल रहा है तो वो प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग टर्म्स होते हैं, प्रोजेक्ट के पेपर्स में भी अलग अलग टर्म्स होते हैं, एक लीगलिटी के ऊपर पेपर वर्क के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, हाल फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पेपर वर्क जितना स्ट्रांग होगा प्राइस वैसा मिलेगा। दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्डर क्या देने वाला है उसके ऊपर है। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में लोग बोलेंगे कि ईट सीमेंट वही यूज होने वाला है, तो इसमें आता है लिफ्ट कौन से क्वालिटी का यूज होने वाला है, उसमें फ्रेमिंग जो आपको मिलने वाली है वो फ्रेमिंग कौन से क्वालिटी के, जो विंडोज होते हैं वो कैसे है, उसमें नॉर्मल आते हैं, पाउडर कोटेड आते हैं, डबल साइडेड नॉर्मल ग्लास आती है, तो डिपेंड करता है क्या मटेरियल उसमें यूज होने वाला है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो और प्रोजेक्ट का जो लोकेशन होगा तीसरा, तो ये तीन चीजें बेसिकली प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है। इसमें प्राइस आ गया, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आ गया, इसमें फैसिलिटीज़ भी आ गई, जो भी आपको इम्यूनिटीज़ मिलने वाली वो भी आ गई, और उसके ऊपर लोकेशन आ गया। इसमें क्या होता है, कॉर्नर का अगर प्लॉट होता है ना लोकेशन के ऊपर तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे डबल साइड से व्यू मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई 1 BHK है तो उसको व्यू यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, तो कॉर्नर के प्लॉट थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो कॉर्नर की प्रॉपर्टी भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। डिपेंड करता है प्लॉट कैसा मिल रहा है बिल्डर को, कितना एक्सपेंसिव मिल रहा है, उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकलती है और फिर प्रॉपर्टी कितने में बिकेगी वो एक रफ उसका कैलकुलेशन निकलता है। तो कॉर्नर का अगर प्लॉट होगा तो थोड़ा बहुत प्राइजेस ज़्यादा होगा। जैसा मैंने गार्डन का बताया वैसे अगर कोई मार्केट प्लेस आने वाला है उसके वजह से भी, या फिर स्कूल आने वाला है तो उसके वजह से भी प्रॉपर्टी की प्राइजेस अब होती है। अब ये हो गया बेसिक मेथड, ये सिर्फ उल्वे से रिलेटेड नहीं है, आप नवी मुंबई क्या महाराष्ट्र या फिर पूरे देश में कहीं पर भी जाएंगे तो यही एक पैटर्न होता है जिस वजह से प्राइजेस अप डाउन होते हैं। अब बात करते हैं सिर्फ उल्वे की, ये सारा ऊपर का भूल जाइए, अभी सिर्फ फोकस करेंगे उल्वे के ऊपर। तो प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया था अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो प्रोजेक्ट किस टाइप के आते हैं, तो सबसे पहले हम बोलेंगे G+4 का प्रोजेक्ट आता है, यानी 4 माले की बिल्डिंग। उसके बाद में जो उल्वे में बन रहा है वो G+6 और G+7 एक ही कैटेगरी में काउंट होता है, G+6 और 7। दूसरा आता है G+12 या 13, दोनों में से एक जो भी होगा, कुछ में 12 स्टोरेज का परमिशन है, कुछ में 13 स्टोरेज का परमिशन है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के कंस्ट्रक्शन आते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब मान लीजिए 1 BHK G+4 का 1 BHK, G+7 और 6 और 1 BHK, G+12 और 13, सबकी कॉस्ट सेम होगी क्या? सबकी कॉस्ट सेम नहीं होगी। G+4 का कंस्ट्रक्शन का रेट अलग आता है, 7 का अलग आता है, 12 का अलग आता है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग के रेट्स आते हैं। फिर इसमें अगर मैं प्राइजेस आपको बताऊं तो सेक्टर वाइज है, तो अगर उल्वे का सेक्टर 24-25 में बोलूं तो इसमें 1 BHK की प्राइस आपको मिलेगी 34 लाख से लेके 42 लाख तक, ये 1 BHK की प्राइसिंग है।
सेक्टर 24 में भी यही प्राइस है, सेक्टर 25 में भी यही प्राइस है, सेक्टर 26, 25, 24 सब में यही प्राइस है। इसके अलावा ये सेक्टर छोड़ के अलग और अगर सेक्टर आते हैं तो उसमें क्या प्राइस है, तो उसमें 40 लाख से लेके 46 लाख तक का 1 BHK का प्राइस है। दूसरा आता है G+6 और 7, तो इसमें क्या प्राइस है, तो इसमें आपको 37 से लेके इसमें आपको रेट मिलेगा 45 या 46, दोनों में से एक रेट मिलेगा। तो ये G+6 और 7 का रेट आ गया। ये अगेन आपको 24, 25 और 26, ये 24, 25, 26 का है सेक्टर का। यही अगर ये चार सेक्टर क्या है मालूम है क्या, लोगों को अभी भी बहुत कंफ्यूजन है 24, 25, 26, वैसा कुछ नहीं, अच्छा सेक्टर्स है, पेपर्स खाली चेक करके लीजिए, यहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, रहने के लिए भी ले सकते हैं। तो ये वाला जो सेक्टर्स है अभी अंडर डेवलप है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाकी के सेक्टर्स बन गए तो बाकी के सेक्टर में थोड़ी प्राइस अप है, बाकी ये सेक्टर्स में थोड़ी प्राइस कम है। तो इसमें अगर 1 BHK हम लोग G+6 और 7 में देखेंगे तो 37 से लेके 45, 46 तक का रेट आता है। अगेन उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या मिल रही है, फैसिलिटीज़ क्या मिल रही है, उसके ऊपर ये प्राइसेस डिपेंड होते हैं। अगर 24, 25, 26 छोड़ देंगे तो G+6 और 7 में अदर सेक्टर्स में आपको प्राइसिंग मिलेगी 45 प्लस 45 टू 55 भी पकड़ सकते हैं, ये वाली प्राइसिंग आपको 1 BHK के लिए मिलेगी। अब ये 12 और 13 के लिए क्या होगा, तो इसमें आपको प्राइसिंग मिलेगी 60 प्लस 60 टू फिर 75, क्योंकि G+12, 13 में मोस्टली क्या होता है कि बड़े प्रोजेक्ट से फैसिलिटीज ज़्यादा मिल जाती है, हाई स्टोरेज पे फ्लैट्स मिल जाते हैं, हाई फ्लोर पे फ्लैट मिल जाते हैं, तो प्रॉपर्टी थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। ये हो गया पूरा 1 BHK का मेथड। अब बात करते हैं इसमें 1 RK का, तो 1 RK की यहाँ पर क्या प्राइस मिलेगी आपको, तो 1 RK की यहाँ पे आपको प्राइस मिलेगी 20 लाख रुपए से लेके 25-26 लाख रुपए तक, डिपेंड अगेन कैसा है फ्लैट, कितना बड़ा है, साइजेस की इसके बाद मैं बात करूंगा आपके साथ में। फिर इसमें G+6 और 7 की क्या प्राइजेस में आती है, तो 1 RK इसमें मेरे ख्याल से आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 27 लाख रुपए से लेके 32 लाख रुपए 12-13 में। प्रॉपर्टी बनती नहीं है 1 RK 12-13 में, बनता ही नहीं है। अब सोच लीजिए 6 से 7 माले में अगर ये कॉस्टिंग आ रही है तो 1 RK की 12-13 में क्या कॉस्टिंग आएगी। वैसे 2 बेड और 1 बेड का प्रोजेक्ट होता है जिसमें कोई 1 RK नहीं निकलता है, तो ये वाला मैटर यहाँ पे क्लोज हो जाता है, इसमें कोई प्राइसिंग नहीं मिलेगी। इसमें और एक पार्ट आता है 1 RK टेरेस, तो 1 RK टेरेस का भी सेम सिनेरियो है। 24-25 सेक्टर में अगर आप देखोगे, 26 सेक्टर में आप देखोगे, तो इसमें भी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी एक 29 लाख रुपीज़ से लेके 35 लाख रुपीज़ तक, और दूसरे सेक्टर्स में आपको प्राइसिंग मिलेगी 34 से लेके 38 तक। सेम G+6 और 7 का अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइसिंग इसकी आपको मिलेगी, ये पूरा पैकेज बता रहा हूँ, इसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST सारे चार्जेस है, साइजेस में आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी प्राइजेस आ गई 6+7 में, 6 टू 7 में जो प्राइसिंग आपको देनी है वो मैं आपको दे देता हूँ 1 RK टेरेस का। तो इसमें आपको मिलेगा 38 लाख रुपीज से स्टार्ट मिलेगा और 42 लाख तक मिलेगा, ये हो गया 1 RK टेरेस का प्राइस। अब बात करते हैं 12-13 में, तो शायद से बनता है, बट अगेन आपको 42 प्लस ही जाना पड़ेगा, अगर मिला तो भी शायद से रेयर बनता है, बट मिल गया तो 40-42 प्लस, ये 40 पकड़ सकते हैं, 40 से लेके 42-45 जैसा साइज होगा उसके ऊपर प्राइसिंग डिपेंड करती है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में 2 BHK की। 2 BHK G+4 में अभी के टाइम पे नहीं बन रहा है, बट मिला तो भी आपको 50 लाख के आसपास मिल जाएगा, 25, 26, 24 या फिर अदर सेक्टर्स में भी आपको G+4 में 50 तक मिल जाएगा, अदर सेक्टर्स में आपको 62 लेके 65, 70 तक का बजट रखना पड़ेगा, 6 टू 7 में आपको 70 प्लस का बजट रखना पड़ेगा, और 12-13 में आपको ये बजट 75-80 प्लस का, मतलब 75-80 में तो मिलेंगे ही नहीं, आपको एटलीस्ट बजट 90 प्लस रखना पड़ेगा, 90 के ऊपर से लेके 1 CR तक का बजट रखना पड़ेगा, तब जाके आपका 12 और 13 में काम होगा 2 BHK का। तो मेरे ख्याल से आपको जो स्टोरेज होता है, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं G+4, G+6, G+7, 24, 25, 26 या फिर अदर सेक्टर्स है, उसमें क्या क्या प्राइजेस है आपको आइडिया आ चुकी होगी। अब आप बोलोगे प्राइजेस तो दे दिए, लेकिन इस प्राइजेस में रूम कितने साइज का मिलेगा, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। तो जनरली अभी जो 1 RK बन रहे हैं वो अप्रॉक्स 385 से लेके 415 या फिर 420
यही साइज के बन रहे हैं, ये सारी प्राइजेस इसके आसपास आ जाती है। तो डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कौन सा है। ये हो गया आपका 1 RK की प्राइजेस। 1 BHK की प्राइस देखते हैं। 1 BHK का जो होता है वो बेसिक साइज जो आता है वो 590 से लेके 645 तक आता है, ठीक है, ये जनरल साइज आता है, उसके अकॉर्डिंगली ये प्राइजेस मैंने दिए। दूसरा आता है 1 RK टेरेस। तो 1 RK टेरेस का क्या होता है, ये आपका जो एरिया होता है अप्रोक्स 400 प्लस आपका 100 फीट, या फिर मैं अभी 100 फीट ही ले लेता हूँ, 100 110 125 स्क्वायर फीट का टेरेस आता है। तो ये सारी 1 BHK 2 BHK 1 RK 1 BHK और 1 RK टेरेस की हो गई। अब बात करते हैं 2 BHK की। तो 2 BHK जो है वो स्टार्ट होते हैं 890 से लेके, फिर डिपेंड करता है 1100 स्क्वायर फीट के भी आते हैं, 1200 स्क्वायर फीट के भी आते हैं, डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन कितने साइज का है, बट ये स्टैंडर्ड साइज है 1 RK की, 1 BHK की, 1 RK टेरेस की और 2 BHK की। तो ये सारी साइजेस है, उसके अकॉर्डिंगली ये मैंने प्राइजेस दे दिए। तो अब तक मेरे ख्याल से आपको पूरा स्टोरी समझ में आया गया होगा कि प्राइजेस कैसे अप्स डाउन होते हैं, अभी उल्वे में क्या करंट रेट चल रहा है। अगर और भी किसी लोकेशन के आपको प्राइजेस चाहिए तो डेफिनेटली मुझे इस कमेंट में जाके बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, जय हिंद जरूर लिखिएगा। इस तरह के और भी फ्यूचर में वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।